सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है लेग्रांज इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल। सो अगर आपको डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल नहीं पता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो फर्स्ट हमें लेग्रांज इक्वेशन बनानी है डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बेसिस। सो सिंपली इसमें डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज़ होगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, बट फिर भी आपको उसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। सो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल आर आई, जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारी आर आई, जिसमें है उसकी उसकी क्वांटिटीज कह सकते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू एन, एंड उसके साथ हमारे पास टाइम भी है। सो सिंपली हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया है क्योंकि हमारे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल में हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है। सो अगर हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बनानी है तो हमें फर्स्ट सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्यू के, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री लिए थे, ये हमारे पास है क्यू टू क्यू एन एसो एसो। सो यहाँ पर क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को यूज करें इसके डिस्प्लेसमेंट में। सो अब हमारी डी एलिमेंट प्रिंसिपल के लिए हमें इस डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल आर आई वेक्टर के साथ। सो डेल आर आई वेक्टर निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को इस डेल करेंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन डेल करके क्या आ जाएगी डेल। सो फर्स्ट इस बात का ध्यान रखिए कि आर आई जो है वो सबके साथ आएगा ही। सो फर्स्ट डेल आर आई वेक्टर, देन इसकी फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्यू वन वो हम नीचे लेंगे और वही क्वेश्चन साथ में डेल्टा के साथ। सो डेल्टा क्या है हमारा वर्चुअल, वर्चुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो सेम डेल आर आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू टू एंड डेल्टा क्यू टू, एंड वीकली हम एक लेते हैं पॉइंट के, सारे जितने पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल लेंगे, एंड लास्ट में हमारे पास आ गया उसका एंथ पार्टिकल को कह सकते हैं एंथ कोऑर्डिनेट जो है हमारा डेल्टा एन। ओके सो इन सब का हम सम लेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा के इज़ टू वन एंड समेशन, जिसमें आएगा सिर्फ उसका वो पार्टिकल जो हमने लिया था एक के पार्टिकल। सो ये हमारे पास आ गए डेल्टा क्यू के, जो है हमारी ये सारी इक्वेशन, बस इसमें हमने यहाँ पर समीशन डाला। ओके सो यहाँ तक हमारा डेल्टा आर आई आ चुका है। सो मैं यहाँ पर डेल्टा आर आई क्या था, डेल्टा आई आर आई था हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके सो अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास समीशन होगा फोर्स का, रिवर्स फोर्स का एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का। सो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसमें ये दो फोर्सेस के साथ बनती है, एक होती है हमारी एक्सटर्नल फोर्स एंड दूसरी होती है हमारी कॉन्स्टेंट फोर्स। ओके सो इसकी हमें आगे जाना पड़ेगी तो भी है। ओके यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो इसको प्लीज बता दीजिए। ओके सो लास्ट में जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि हमें इसको आगे यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने सेकंड इक्वेशन थे हमारी डी एलेवन प्रिंसिपल जिसके हम कहते हैं, इसको सिंपली हमने फर्स्ट डेल्टा आर आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे, एंड देन डेल्टा आर आई को पी के साथ, पी वेक्टर डॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे।
सो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम कि डेल्टा आर आई को जब एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई। सो डेल्टा आर आई की वैल्यू हमारे पास है जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे डेल्टा आर आई। सो डेल्टा आर आई की इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों सोल्यूशन को हम बाहर कॉन्स्टेंट रख के यहाँ पर फर्स्ट आएगी हमारी के देन आई समीशन देन एफ आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के एंड ब्रैकेट के बाद डेल्टा क्यू के जो है हमारा वर्चुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो नाउ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सो अब हम हमारी ये इक्वेशन बन गई है कि सो यहाँ पर समीशन आई एफ आई डेल्टा डेल आर आई बाई जी क्यू डेल क्यू के ये हमारी इक्वल हो जाती है जी के जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। सो ये होगी हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स। सो जनरलाइज्ड फोर्स की हमारी जब हम डेल्टा आर आई को पी के साथ पी आई के साथ करेंगे वहां पर हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स आएगी और उन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करेंगे। तो चलो चलिए देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। सो ये इक्वेशन होगी हमारी इतनी जी के इक्वल। सो ये हमारे पास आ गई सॉरी यहाँ पर हमने ये इक्वेशन को जी के पुट कर दिया हमारे पास आ गई जी के एंड देन यहाँ हमने लिखा है जी के की वैल्यू मेरे पास ये है। सो ये हमारी इक्वेशन एक बन गई। सो हम जी के की वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे। सो जी के की वैल्यू हमारे पास एफ आई डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू। सो इसको हम लिख सकते हैं एफ आई को तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई एंड जेड। सो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स आई यहाँ पर आई होगा उसके साथ एक्स आ जाएगा वाई आ जाएगा या जेड आ जाएगा और यहाँ पर आर आई होगा वहाँ पर भी एक्स आई वाई आई या जेड आई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स आई आ गया यहाँ पर एक्स आई एफ वाई आई जेड आई जेड आई नीचे तीनों के क्यू के। ओके सो नाउ हमें पता है कि एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल ऑफ v। सो हमारे पास आ गया माइनस डेल आई वी ह्यूमन आई के लिए काम कर रहे हैं। सो इसकी वैल्यू क्या होगी डेल हमारा डेल वेक्टर या हम इसको कह लें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है हमने v के साथ। तो डेल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास डेल्टा की सॉरी डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। अब हम आई के लिए निकाल रहे हैं डेल आई के लिए तो हमारे पास होगी डेल वाई डेल एक्स आई डेल वाई डेल वाई आई डेल वाई डेल जेड आई। सो हमारे पास पहले बाकी चीज़ों को भूल जाइए पहले हम लेंगे सिर्फ डेल वाई डेल एक्स आई डेल वाई डेल वाई आई डेल वाई डेल जेड आई। हमने करना है किसके साथ है इसको मल्टीप्लाई वाई वी के साथ। सो तीनों के पास वी 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 आ गया एंड हमारे पास जो एफ आई है उसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। तो वो क्या होंगे एक्स आई वाई आई एंड जेड आई। तो उसमें जो आई जी के कोऑर्डिनेट्स है उसको तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई जे एंड के तीनों नेगेटिव इसके बाद। ओके सुनो क्या होता है यहाँ तक तो ओके। सो नाउ इन तीनों की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे इसमें इतने जहाँ पे एक्स एफ एक्स आई है वहाँ पर सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट पुट रहा है वो है हमारे पास माइनस आई डेल बी बाई डेल एक्स आई। तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। यहाँ पर हम पुट करेंगे वाई वाली यहाँ पर हम पुट करेंगे जेड वाली और ये हमारी तीनों वैल्यूज पुट हुई। तो यहाँ पर
डेल एक्स आई डेल एक्स आई के साथ कट गया, वाई आई वाई आई के साथ कट गया, डेल एक्स आई डेल के साथ कट गया, और इसकी एक कॉमन कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी जो कि जी के इज इक्वल्स टू, इन तीनों की नेगेटिव कॉन्स्टेंट, डेल वी कॉन्स्टेंट तीनों का एंड तीनों का डेल क्यू के कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास जी के की वैल्यू आ गई फोर्थ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू की। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके सो नाउ हमने डेल्टा आर आई को एफ आई के साथ उसकी वैल्यू निकाल ली थी, जो हमने जिसको हमने नाम दिया था थर्ड क्वेश्चन। नाउ अब डेल्टा आर आई पी आई के साथ हम वैल्यू निकालेंगे। सो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर डिवाइड नहीं किया, तो आगे हमारे पास पी आई डेल्टा आर आई। सो नाउ पी आई जो था हमारे पास रिवर्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, उसकी वैल्यू होती है एम आई आर आई डबल डॉट। सो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। और सेकेंड में हमारे पास डेल्टा एंड आर आई, इसकी वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे हम, उठाकर हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ये बाकी फर्स्ट इक्वेशन, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इसको फिर से वो पिछले टॉपिक की तरह, पिछली जो स्लाइड थी उसकी तरह हम दोनों जो हमारे पास सबमिशन है इसको एक साथ रख सकते हैं। सो यहाँ पर आ गया सबमिशन के, सबमिशन आई, देन ये वाली टर्म, एंड देन ये वाली टर्म, और आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू की। ओके सो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है आर वेक्टर डबल डॉट, मीन्स कि उसके पास डबल डेरिवेटिव होगा। सो उसमें से एक डेरिवेटिव उठाकर हमने बाहर रख लिया, इसका अंदर हमारे पास रह गया है माई आर आई वेक्टर, एंड उसके ऊपर ओनली वन डॉट, और अंदर हमारे पास ये बिल्टअप सेम है। और माइनस एम आई आर आई वेक्टर, और इसमें डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ होगा इस टर्म का, लास्ट में आएगा क्यू के। तो उसका सीधा जवाब ये है कि इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिंपल ये टर्म बनी है, इसको माइनस करूंगा। ओके सो हियर हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है मेरे पास ये एंड सेकेंड है मेरे पास ये। सो फर्स्ट टर्म, इस टर्म को उठाते हैं, ये आ गई मेरे पास ये वाली टर्म। अब इस टर्म में देखिए, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू इसको एक्सचेंज कर दूँ, इसको यहाँ पर ले जाऊँ, इसको यहाँ पर ले जाऊँ, तो डी टी जब डी आर वेर डी टी के नीचे आ गया तो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के इक्वल। सो मेरे पास आ गया बी आई, तो बी आई जो है यहाँ पर आ गया, सो मेरे पास हो गया डेल बी आई बाई डेल क्यू के। ओके सो नाउ सेकेंड इक्वेशन उठाऊंगा, वो आ गई मेरे पास डेल आर आई बाई डेल क्यू के। सो वो होती है इक्वल डेल वी आई वेक्टर अपॉन डेल क्यू के डॉट के। ओके सो तो इन दोनों इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर पुट कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने जब पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम सिर्फ इसको उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, और ये वाले समीशन जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे दोनों के पास जाएंगे, पहले इसके पास देन इसके पास। ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म लेंगे, समीशन आप याद रखिएगा, समीशन हमेशा इसकी अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं टी के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पर है हमारे पास वी आई। सो हम इसको लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर, और वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई। सो जैसे मैंने आपको कहा सबसे पहले कि समीशन को बाहर रखा, फिर हमने यहाँ पर उठाया डी बाई डी टी, उसके अंदर गया हमारा ये वाले टर्म, इसको हम उठाकर बाहर ले आए, क्योंकि जब हमने एम वी स्क्वायर बनाया है तो इस टर्म का अंदर कोई काम नहीं है, इसको हमने बाहर लिया है, तो हमारे पास अंदर आ गया पहले ये वाली समीशन अंदर गई, और उसके बाद हाफ एम आई वी आई वी आई मीन्स की वी आई स्क्वायर। सो आगे माइनस टर्म हमारी फिर से यहाँ पे आ गई, और फिर से इसका अंदर कोई काम नहीं है तो ये बाहर आ गया, तो अंदर पहले ये वाली समीशन जो है वो जाएगी यहाँ पे, तो ये समीशन आ गई आई, एंड देन हाफ एम वी स्क्वायर,
क्योंकि ओके ये है यहाँ पे, तो यहाँ पर हाफ एम आई और हाफ एम आई वी आई वी है ये वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और हाफ एम वी स्क्वायर वो इक्वल होता है हमारा पी के। सो हमारे पास जो ये समीशन है सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए और ये समीशन है, इसको हम टी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टी पुट किया, हमारे पास इक्वेशन बन गया ये जो कि हमारी फिफ्थ इक्वेशन। सो इसमें जो ये इक्वेशन है ये भी सेम हमारी फोर्थ इक्वेशन है, जो कि फोर्थ इक्वेशन थी हमारी जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो ये भी हमारी जनरलाइज फोर्स, तो ये भी हमारी जनरलाइज फोर्स ही है यहाँ तक। तो हमारे पास फिफ्थ आ गई है, तो यहाँ पर आगे हम फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को कंपेयर करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पर ये इस वैल्यू को देखेंगे कि हमारे हमें जो सेकंड वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं आई फर्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सो एफ आई डेल आर आई इंटू पी आई वेक्टर डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है वो हमारी थर्ड वैल्यू, और जो ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पर निकाली फिफ्थ। सो फिफ्थ में हमने सिंपली ये वैल्यू नहीं होगी उसमें, ये सारी वैल्यू उसको हम जी के बोल रहे हैं। ओके तो बस आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और बहुत ही नियर है हमारे आंसर के मीन्स हमारी थ्योरी। ओके सो यहाँ पर हम उठाएंगे फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को, जो कि फिफ्थ इक्वेशन सॉरी हमने जो पीछे हमें फिफ्थ इक्वेशन लिखी थी उसमें मैंने जो आपको जीके की वैल्यू बताई थी उसकी मैंने फिफ्थ इक्वेशन लगाया। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में भी जीके की वैल्यू है और फिफ्थ में भी जीके की वैल्यू है, तो उन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। तो जीके की वैल्यू हमारी ये भी है और जीके की वैल्यू हमारी ये भी है। सो जब दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डेल बाई डेल क्यू के है, यहाँ पर मेरे पास बी डेल बाई डेल क्यू के है। सो ये जब इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा टी, एंड इसके पास है बी तो वो हो जाएगा मेरे पास टी माइनस बी। ओके सो यहाँ पर जो क्यू के डॉट है वो है मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उस पर भी जो है वो डिपेंड नहीं करता, जब डिपेंड नहीं करता वो तो मीन्स की वो उसके साथ भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर आ जाएगा टी माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो टी माइनस बी हमारा होता है, टी होता है मेरी काइनेटिक एनर्जी, माइनस बी होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है इक्वल टू एल के टोटल एनर्जी के। सो यहाँ पर टी बाय टी माइनस एल हो जाए माइनस बी हो जाएगा एल के इक्वल, यहाँ पर टी माइनस बी हो जाएगा एल के इक्वल, तो यहाँ पर भी एल यहाँ पर भी एल। तो ये है हमारी इक्वेशन जो कि हमें चाहिए थी, और ये है लैग्रेंज इक्वेशन, एंड हेंस वी हैव डेराइव्ड द डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू द लैग्रेंज इक्वेशन। सो ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।